दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपकी कंट्री में कोई ऐप्स अवेलेबल नहीं है, जैसे कि कुछ ख़ास ऐप्स होती है जो कि पाकिस्तान और इंडिया और इसी तरह की कुछ और ख़ास कंट्री होती है जिसमें वही ऐप्स ब्लॉक किया जाता है, तो वो वाले ऐप्स आपने कैसे इंस्टॉल करना है। अगर आपकी कंट्री में वो ब्लॉक भी है तो भी उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये ट्रैक्स मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करना चाहता हूँ। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपने गूगल प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ भी दोस्तों आपने सर्च करना है, इस टाइम मेरे पास इंटरनेट नहीं है लेकिन यहाँ भी आपने सर्च करना है VPN, ठीक है। कोई भी VPN को आप सर्च कर सकते हैं और वही वाले VPN आपने इंस्टॉल करना है। जैसे आप VPN को इंस्टॉल करें तो उसके बाद दोस्तों आपने एक और काम करना है, वो आपने ज़रूर करना है, ठीक है, वरना आप ऐप्स को इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो इसके लिए दोस्तों आपने जाना है मोबाइल की सेटिंग में, सेटिंग पे जैसे दोस्तों आप चले जाते हैं, यहाँ पे आपने ढूंढना है ऐप्स, ठीक है, ये वाला इसको आपने ढूंढना है, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर दी, यहाँ पे आपने ढूंढना है गूगल प्ले स्टोर, ठीक है, ये वाला आपने ढूंढना है। तो इस पर आपने करना है क्लिक, क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने स्टोरेज वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ से आपने क्लिक करना है क्लियर डेटा पे और क्लियर केसी पे, ठीक है। तो क्लियर डेटा पे मैं क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो इससे दोनों ही क्लियर हो गया। तो सबसे पहले आपने दूसरे नंबर पे आपने ये काम करना है, सबसे पहले आपने जाना था प्ले स्टोर पे, गूगल प्ले स्टोर पे, वहाँ से आपने डाउनलोड करनी थी VPN। जैसे आपके मोबाइल में वो इंस्टॉल हो जाती तो उसके बाद जो है ना आपने सेटिंग पे जाना था और यहाँ भी आपने ढूंढना है गूगल प्ले स्टोर और इसको आपने क्लियर डेटा पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट स्टेप है आपने क्या करना है, आपने अपने मोबाइल को रीस्टार्ट करना है, ठीक है। रीस्टार्ट करने के बाद दोस्तों आपने दोबारा से जैसे मोबाइल ऑन हो जाए आपका, तो उसके बाद आपने जो VPN आपने इंस्टॉल किया है उस पर आपने क्लिक करना है। जैसे उस पर आप क्लिक करें तो आपको से वहाँ पूछा जाएगा कि आपने परमिशन को अलाउ करना है, तो अपने परमिशन को अलाउ करना है। आगे नेक्स्ट स्टेप आपको देखने को मिल जाएगी कि आप किस कंट्री के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं अपने मोबाइल को। तो जो कंट्री आपको प्रीमियम मिलता है तो उसके साथ आपने अपने मोबाइल को कनेक्ट करना है। जैसे आपका VPN कनेक्ट हो जाए दोस्तों, तो उसके बाद जो है ना आपने आपका वही IP एड्रेस चेंज हो जाएगा, तो वो जो है ना गूगल को आपकी कंट्री कोई और शो करेगा। तो उस कंडीशन में आपने जाना है गूगल की प्ले स्टोर में, वहाँ पर आपने वही ऐप्स को सर्च करना है, तो वही ऐप्स आपको वहाँ मिल जाएगा, तो उसको आप वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर इस कंडीशन में फिर भी इंस्टॉल नहीं होता तो आपने ऐसे करना है कि आपने VPN को कनेक्ट करना है, उसके बाद आपने एक नया Gmail ID किसी और कंट्री की नाम से बनाना है। जैसे कि अगर आपने VPN को किसी UK या अमेरिका के साथ कनेक्ट किया और उसके बाद जो है ना आपने एक Gmail ID बनाना है, ठीक है। तो जैसे Gmail ID आप बनाए तो उस Gmail ID से आपने गूगल प्ले स्टोर को ऑन करना है, ठीक है, आपने वही ID वहाँ रजिस्टर करना है। तो उसके बाद जो है ना आप बिना किसी टेंशन आप जो है ना कोई भी ऐप्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले जो तरीका मैं आप लोगों को बता दिया वो थोड़ा सा इजी है, क्योंकि उसमें आपको अकाउंट बनाना नहीं पड़ता। अगर उस तरीके से नहीं चलता तो आपने फिर ये नेक्स्ट सेकेंड स्टेप को फॉलो करना है, लेकिन पहले आपने ID नहीं बनाना, आपने VPN को इंस्टॉल करना है, प्ले स्टोर डेटा को क्लियर करना है और अपने VPN को कनेक्ट करना है। उसके बाद आप जो है ना गूगल प्ले स्टोर में वही ऐप्स को सर्च कर सकते हैं, उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी तरीका कि आपने ऐप्स को कैसे इंस्टॉल करना है अगर आपकी कंट्री में कोई भी ऐप्स को ब्लॉक है। तो दोस्तों तरीका बहुत सिंपल है, आपने इसको जस्ट फॉलो करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसको लाइक करें और हमारे चैनल इस तरह की टेक्निकल वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक्निकल जानकारी को मिलते ही नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।